कि बास जलसों में आयतुल्ला बहजत फरमाते थे कि मुझसे ये बात पूछी गई है, और लोग भी आमतौर पर भी बहुत पूछते हैं कि हमारे घर के कुछ अफराद हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, क्या ऐसा करें कि वो नमाजी हो जाए। तो आयतुल्ला बहजत फरमाते थे कि मैं लोगों को हमेशा यही बताता हूं कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें और उनसे कहें कि मौला हुसैन आप इन लोगों की हिदायत कर दें। अच्छा, कहने लगे मैंने लोगों को एक मजमे में ये बात बताई तो कुछ अरसे के बाद वो लोग आए और बड़ी खुशी से आकर इत्तला दी कि वो तमाम अफराद नमाजी बन गए हैं जिनके लिए इस अंदाज से तवस्सुल करके दुआ की गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी इमाम हुसैन से तवस्सुल करें और उसके बाद इमामी से कहें कि मौला आप इनकी हिदायत फरमा दीजिए। और वो ये भी फरमाते थे आयतुल्ला बहजत, एक और चीज भी फरमाते थे कि हरम मासूमीन के जो जवार में जो मदफून मोमिनीन के कबूर हैं, बहुत से उलमा भी हैं उसके अंदर, बहुत से असहाब आइमा भी हैं, उनकी अरवाह से भी तवस्सुल किया जा सकता। यानी रोजाना अगर अलहम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़कर हरम मासूमीन, जहां जहां जो हरम मासूमीन है, मसलन खुद अमीरुल मोमिनीन के हरम के अतराफ में देखें कितने बड़े बड़े उलमा हैं, आयतुल्ला खोई की कब्र बिल्कुल सामने है, और हरम इमाम, वैसे और बहुत सारे वहां पे तो 300 से जायद, 500 या 700 ये बड़े बड़े उलमा तो वहां पर नजफी के अंदर मदफून है, उनकी अरवाह के लिए अलहम्द और सूरह इखलास तीन मरतबा अगर पढ़ा जाए, और इसी तरीके से मशहद में जो एक जेर जमीन है कब्रस्तान है, वह कितने बड़े बड़े उलमा और शहदा के कबूर हैं बाकायदा, जो है वहां पर भी उसको जरूर जाना चाहिए कि जब भी मशहद ज़ियारत के लिए जाएं उस कब्रिस्तान जो ज़ेर ज़मीन है बिल्कुल वहां जरूर जाएं। और इसी ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान से होते हुए जो सबसे करीब तरीन इमाम की कब्र तक पहुंचने की जगह है वो भी ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान से होते हुए जाती है, बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो बहरहाल वहां जाकर इन कबूर के हवाले से जो है वो तवस्सुल किया जाए और दुआ की जाए। इसी तरीके से मसलन या जैसे कि इमाम रजा ही के एक सहन के अंदर आयतुल्ला बहाई की कब्र भी है, यानी हरम के अतराफ के अंदर जितने भी मोमिनीन की कबूर हैं ये भी इतनी बाबरकत हो गए हैं अतराफ हरम में मदफून होने की वजह से कि इनसे भी तवस्सुल किया जा सकता और इनसे भी मदद हासिल की जा सकती। इसी तरीके से मासूम कुम के अतराफ में जो कब्रस्तान शेखा, इसके अंदर जकरिया इब्ने आदम और आइम्मा के कितने असहाब मदफून हैं, यहाँ पर मिर्ज़ा कुम्मी कबर है, कितने शोहदा के कबूर हैं यहाँ पर, तो उनसे भी मदद हासिल की जा सकती है। खुद हरम मासूम कुम के अंदर ही कितने बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा और मराजे के कबूर हैं, उनसे भी मदद हासिल की जा सकती है। फरमाते थे कि इनसे जब मुतवस्सिल होकर मदद हासिल की जा सकती है तो चे जाए कि रूह मलकूती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सोचिए कि उसका मुकाम और मर्तबा क्या होगा जब ये लोग इतने ज्यादा इस दुआओं की कबूलियत के सिलसिले में मददगार हैं। तो इनसे इर्तबात बढ़ाने के लिए इनका तवस्सुल।